सोमवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 90% वेतन और अन्य मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वही मांगों संबंधित ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम BMO डॉक्टर मनीषा मंडलोई को सौंपा। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि कोरोना काल में हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। उनके साथ उन्होंने बताया कि यदि हमारे मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जैसा कि इन लोगों की हड़ताल है सबको मालूम है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल का इस चीज के लिए बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारे 80% जो है कर्मचारी वो हर जगह RRT ग्रुप हुआ या MMU टीम हुई, सैंपलिंग हुआ, कोरोना में इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। इन लोगों की हड़ताल के कारण हमारा हॉस्पिटल बहुत प्रभावित हो रहा है। जो जैसा कि 5 जून 2018 में जो नीति है इनकी, जो लागू किया है नियम, वो इनके लिए अवश्य लागू हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।